सबसे पहले तो निषद से जुड़े सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आजादी पर बात कर रहे हैं और कवियों और आजादी का शुरुआत से ही नाता रहा है। अगर राम प्रसाद बिस्मिल ना होते, बंकिम चंद चटर्जी ना होते, रविन्द्रनाथ टैगोर ना होते, तो हमें वो सारे आजादी के नज्में और कविताएं ना मिलती जिनको आज भी हम आजाद करते हैं। और हमारा जो ये पूरा 74 साल का सफर रहा है, इसमें अनेकों कवियों ने समय समय पर सरकारों को याद दिलाया है कि आजादी के सही मायने क्या हैं। और कभी कोई शासक अगर भटकने लगा तो कवियों ने अपनी आवाज बुलंद करके उन्हें याद दिलाया कि हमारी आजादी जो 74 साल पहले हमें मिली थी उसके ये मायने थे। और इसी सिलसिले में मैं कविता पढ़ना चाहूंगा अरुण देव जी की, जो हमारे समकालीन कवि हैं। इस कविता का शीर्षक है आपको आजादी है। आपको हक है, अभिव्यक्ति का मूलभूत है, अखंड है। हम देखेंगे कि आपने क्या कहा है, जन को आपके लेखन से कोई खतरा तो नहीं। आपको हक है अपने धर्म के प्रचार प्रसार संरक्षण का। आपको हक है अपने धर्म के प्रचार प्रसार संरक्षण का। दबाव में जो लोग बदल रहे हैं अपना ईमान, उनकी सूचियां हैं हमारे पास, अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी, ये लालची लोग। आपको हक है रंगों का, स्वाद का, साथी का। हम परखेंगे कि क्या पका है आपके पतीले में, और ये प्रेम कोई षड्यंत्र तो नहीं इस राष्ट्र राज्य के खिलाफ। रंग भी भेद खोलते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। यदि उद्यम आप जो करना चाहें, यहाँ यहाँ और यहाँ आप हमेशा बाहरी ही रहेंगे, और तब तक आप दिखें बिल्कुल नहीं, जगह ना घेरें। आपसे उम्मीद है कि आप वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करेंगे। सावधान, इसके लिए आपकी हत्या की जाएगी। राष्ट्र किसी भी और किसी के भी मजहबी मसलों में निरपक्ष रहेगा। मंदिर वहीं बनेगा और सकीना का ताला कोर्ट के बाहर तय है, ये तय हो। हर नागरिक की गरिमा अक्षुण रखी जाएगी। हंसे नहीं, यह हंसी राजद्रोह है। जज साहब के निर्णय देने से पहले वकील साहबान आपको सजा देंगे। आपको आजादी।